एमटीवी ओडिशारे आपणको स्वागत। आज मु आपणको पाई नैकि आसीछि देश विदेश तथा राज्यर 12टि गुरुत्वपूर्ण खबर। फर्स्ट न्यूज, भारत रे आउ एक भयंकर वेरिएंट चिन्हट। डेल्टा परे भारत रे आउ एक भयंकर वेरिएंट चिन्हट होईछि। कोरोना भाइरस क्रमागत भाव रूप बदलाइबा अधिक विपज्जनक होइजौछि। प्रतिदिन नूतन नूतन वेरिएंट चिन्हट होउछि। भारत रे वर्तमान आउ एक विपज्जनक वेरिएंट चिन्हट होइतबा रिपोर्ट रु जणा पडिछि। एहि वेरिएंट रे संक्रमित हेबार 7 दिन मध्यरे रोगीर ओजन ह्रास पाइ जाउछि। पूर्वर ब्राजिल ए प्रकार वेरिएंट चिन्हट होता सेठ गोटे प्रकार वेरिएंट भारत आसीबा कहला। तेरे वर्तमान ब्राजिल भारत को दुई प्रकार वेरिएंट आसीबा कहते वैज्ञानिक। द्वितीय प्रकार वेरिएंटर नाम हूँ B.1.1.2.8.2। वैज्ञानिक मैंने एक मूषा उपर B.1.1.1.2.0.2 को वेरिएंट को परीक्षण करते। परीक्षण फलाफल आश्चर्यजनक रही। नूतन वेरिएंट एत विपज्जनक संक्रमण होवार 7 दिन मध्य रोगी ओजन ह्रास करवा जानवाक पाई वैज्ञानिक। यह सह डेल्टा वेरिएंट पर एपरी वेरिएंट आंटीबॉडी क्षमता मध्य ह्रास कर दूसरी। दुई नंबर खबर, देश में कमुची संक्रमण। 24 घंटे 114,460 जन संक्रमित चिन्हट। लगातार देश में कमुची संक्रमण संख्या। गत 24 घंटे देश में 114,460 जन नूतन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। सेपरी गोटे दिन 2,677 जन मृत्यु होता सूचना मिली। दैनिक संक्रमण को मिसाई देश में मोट आक्रांत संख्या 2,88,09,349 रही। से सुस्थ हो सारी 2,60,48,731 जन। से देश में मृत्यु संख्या 388,775 रही। यह सह वर्तमान समय 14,87,708 जन लोक कोरोना संक्रमित हो चिकित्सित होती। सेपरी भाव देश में मोट 2,98,60,771 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ हो सारी। केवल एक दिन यावत 33,13,22,417 जन डोज टीका कर सूचना दि जाए। तीन नंबर खबर, कोविन पोर्टाल पंजीकरण समय देवाक पड़े चेप्टा। कोरोना महामारी रक्षा पाइबा देश में टीकाकरण अभियान चली। प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोक टीकाकरण कर टीकाकरण स्लॉट बुकिंग करने कोविन पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करते लोके। तेज वर्तमान लोक को कोविन पोर्टाल और आप्रे पंजीकरण करने समय कैप्चा देवाक पड़े ना। फिर पोर्टाल पंजीकरण प्रक्रिया त्वरान्वित होगाक। कोविन पोर्टाल और आप्रे पंजीकरण करने समय हिताधिकारी को वर्तमान 4 अंक विशिष्ट कोड दि जाऊँगी जहाँ को निर्दिष्ट टीकाकरण केन्द्र देखा समय टीका नहीं पारे। यहाँ पंजीकरण प्रक्रिया कैप्चा हटाई देवाक प्रक्रिया आरंभ कर। चार नंबर खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी विरुद्ध में मामला रुजु। चोरी अभियोगे शुभेंदु अधिकारी विरुद्ध एक मामला रुजु कर। पश्चिमबंग कांथी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और भाई विरुद्ध केस दायर कर। दुई भाई म्युनिसिपालिटी रिलीफ सामग्री चोरी करुवा अभियोग तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी। चोरी मामले शुभेंदु अधिकारी और दिव्यंदु अधिकारी विरुद्ध में एफआईआर दि जाएगी। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छाड़ बीजेपी में जोग देते। से नंदीग्राम आसन मुख्यमंत्री ममता बानाजी विरुद्ध में प्रतिद्वंदिता करती। निर्वाचन फलाफल पर बीजेपी और टीएमसी मध्य बिवाद देखा मिली। नंदीग्राम विधायक तथा ममता अति निकट शुभेंदु अधिकारी पश्चिमबंग विधानसभा विरोधी दल नेता भाव चयन करजेपी। पश्चिमबंगे बीजेपी और टीएमसी कलह बढ़ु सुरक्षा दृष्टि शुभेंदु बापा तथा शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येन्दु अधिकारी वाय प्लस वर्ग सुरक्षा उपलब्ध कराई केन्द्र सरकार। पांच नंबर खबर, कोलकाता बीजेपी कार्यालय निकट 51 देशी बोमा उद्धार। कोलकाता होस्टिंग क्रेसिंग अंचल बीजेपी कार्यालय निकट 51 देशी बोमा उद्धार कर। समस्त बोमा को एक अखा भितर बंद कर कार्यालय निकट में रखाई। सेपटे बोमा को निष्क्रिय करने को चेष्टा करा जाउछि। तेबे किए बोमा रखी और क्यों उद्देश्य रखी से संबंध में कौन सी सूचना एजावत मिली पारे ना। कोलकाता पुलिस एक घटना तदंत आरंभ कर एवं निकटस्थ सीसीटीवी कैमरा जांच करुछि। बीजेपी कार्यालय निकट में मिलता देशी बोमा गुड़िक क्यों प्रकार जमापड़ ना। होस्टिंग क्रसिंग अंचल सामरिक प्रतिष्ठान रही। पुलिस वर्तमान यही बोमा को निष्क्रिय करने को चेष्टा चल सूचना मिली। मिलता बोमा गुड़िक ग्रामांचल अधिक व्यवहार करतेक संख्यक बोमा मिलवा पर स्थानीय अंचल आतंक खेली जाइए। वर्तमान अखारे समस्त बोमा समान प्रकार किंवा विभिन्न प्रकार बोमा ताहा वर्तमान परीक्षा कर। छः नंबर खबर, प्रेमिका को देखा करने को 4 वर्ष जेल में रही प्रेमिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रूपे कार्य करुवा समय प्रथम फेसबुक रे प्रेम है। निज प्रेमिका को मिसापी प्रेमिक जनक पाकिस्तान में पहुंची जाते। केवल सेठे पहुंची गले नुह बर से 4 वर्ष जेल में रहा एवं स्वदेश को फेरी। यहपर एक घटना घटी आंध्र प्रदेश विशाखापाटनार बासीदा जड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर सूचना अनुजाई विशाखापाटनार 32 वर्षीय वाईवान प्रशांत तथा तेलंगाना हैदराबाद ठारे गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्य करते। कार्यरत समय फेसबुक में मध्यप्रदेश जन युवती बंधुता हो जाता
आ बंधुता परे प्रेम प्रकाशित ताहा होई जाइथिला। 7 नंबर खबर, पुलिस को चकमा देबा को 60 किलो ओजन बढ़ाइले तथापि धरि नेले मामू। आईन रो हाथ लंबा, आज एक तीटि आज अक्षरे अक्षरे सत हो जाइछि। पुलिस रो आखिरी धूली देवा को 55 किलो रु 115 किलो ओजन बढ़ाई देथिले अपराधी, तथापि पुलिस थारु रक्षा पाई पारिले नाही। अपराध करबा परे पुलिस थारु रक्षा पाइबा पई गौतम नामक जने व्यक्ति एपरि उपाय अपनाइथिले, हेले अपराधी रो सब ऋण नीति फेल मारिछि। अपराधर 3 वर्ष परे तथा मोटा हो जाइथिबा अपराधी को चिन्ही दंड देछि पुलिस। गुजरात सुरत रे एपरि घटना देखिबा को मिलिछि। 8 नंबर खबर, 2 डोज टीका ने कोरोना रे आक्रांत होई देश रे कहार मृत्यु होइनि, यहा कहिछन्ती एम्स। कोरोना टीकार 2 जाग डोज नेबि परवर्ती समय कोरोना संक्रमित होइथिबा कोनसे रोगी को देश रे मृत्यु होइनै, एहि अनुध्यान पर दिल्ली एम्स पक्षर यहा स्पष्ट करा जाइछि। गत एप्रिल रो मे मास भितर कोरोनार द्वितीय लहर जारी रहिथिबा बेले जोनोमिक्स एजेन्स गवेषणारु एम्स विशेषज्ञ माने एभली तथ्य हासिल करछन्ती। गवेषणा सामिल 60 जन को मध्यरु 36 जन टीकार डबल डोज एवं 27 जन सिंगल डोज नेइथिले, सेपर 10 जन कोवैक्सिन एवं 53 जन कोवैक्सिन टीका नेइथिले, जहाँ मध्यरु 41 जन पुरुष एवं 22 जन महिला मध्य थिले। तेबे एही लोक माने अन्य कोनसे रोगर पीड़ित नथिले, एमितिकि एमानकु 5-7 दिन जहाँ मध्य अत्यधिक ज्वर थिले बि केहि मध्य प्राण हराइ नांति। समस्तक वयस 21-92 वर्ष मध्यरे रहितला बोली एम्स पक्षर कहा जाइछि। 9 नंबर खबर, उत्तर कोरिया भुसिडी गलानी अर्थनीति, मासे पर सामना को आसिले तानाशाही किम जोंग। कोरोना महामारी एवं प्रतिबंधक जो उत्तर कोरियार अर्थनीति संपूर्ण विपर्यय हो पड़ी। एभली स्थिति में कोरोना उत्तर कोरियार नेता तथा किम जोंग उक्त प्राय 1 मास पर प्रथम थर पर बाहर को बाहरी चंती। यहाँ पर से निज शासन दल को डकाई एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करने से निजे क्षमतारे थे। यह बैठक से देशर विपर्य अर्थनीति को ट्राक को फेर आने पर प्रयास आलोचना करते एथपाई एक बृहत राजनैतिक सम्मेलन आह्वान देते उत्तर कोरियार ऑफिशियल न्यूज कमिटी। कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी शनिवार कही दलर आदर्शगत उत्साह एवं आत्मनिर्भरता संग्राम हेतु अनेक कार्य करम प्रशंसा कर। सोमवार दिन पोलित ब्यूरो बैठक को आसी किम प्रथम थर पर मैच छपर जनसाधारण को नजर आसी सेतेबेले से उत्तर कोरिया जवान मान को परिवार सहित मध्य फोटो उठाई थिले। 10 नंबर खबर, जीवन बचाऊ डबल डोज वैक्सीन, टीका को एक खुशी खबर दी एम्स गवेषणा। टीका नहीं लोकों पर घातक हो पारुनी कोरोना, डबल डोज टीका नहीं लोके संक्रमित होते भी मृत्यु घटुनी। एप्रिल और मे ब्लैक थूप जिम्स एजेन्सी गवेषणु एम्स स्पष्ट कर विभिन्न वर्गर मोट 60 जन को नहीं सर्वे चली। 60 जन को मध्यरु 36 जन डबल एवं 27 जन सिंगल डोज टीका नहीं। 60 जन को मध्यरु 10 जन कोवैक्सिन एवं 53 जन कोवैक्सिन नहीं। चिन्हट लोक मानक 7 दिन पर्यंत ज्वर होते भी तांकर जीवन जाइनि, टीका भल काम करछि एवं टीका ही जीवन रक्षक बोली परीक्षार मध्य स्पष्ट भावे। 11 नंबर खबर, 8 रु बढ़ी पारे वर्षार परिणाम, दक्षिण पश्चिमी मौसुमी बायु केरल उपकूल अग्रसर हो उपकूल कर्णाटक गोवा और महाराष्ट्र केतेक अंचल अतिक्रम करसह तेलेाना आंध्र प्रदेश केतेक अंचल मौसुमी वायु देखा मिलूँ। पाणीपाग कार्यालय पक्षर यार सूचना दि जाइला, यार प्रभाव में सोलारपुर रायचूल कर्नूल तिरुपुर और कल्डूर में वर्षा आरंभ हो सेपटे बिहार दक्षिण अंचल और यार आखपाख अंचल घूर्णिबल सृष्टि यार प्रभाव में ओडिशार केतेक स्थान में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो पारे। कोरापुटर लमतापुर सिमिलीगुड़ा पटांगी मयूरभंज चंदनपुर और बालेश्वर राजघाट स्वल्प धरण वर्षा रेकर्ड कर राज्य में आग को केमी रणिपाग से आज आंचलिक पापाग केन्द्रालय निर्देश एचआर विश्वास सूचना देते 8 तारिखर दक्षिण ओडार वर्षार परिणाम बढ़ी पारे। गोटे कि 2 स्थान प्रबल वर्षा हो संभावना रही, विशेषकर नवरंगपुर कोरापुट और कलाहांडी जिला प्रबल वर्षा हो पारे। 9 तारिखर राज्य समस्त जिलार वर्षार परिणाम बढ़िवार संभावना रही, अधिकांश स्थान 9 तारिख स्वल्प मध्यम धरण वर्षा और उपकूल अंचल जिलार किसी स्थान प्रबल वर्षा हो पारे। गजपति गंजाम नयगढ़ खोर्धा कटक मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल जिलार झड़ तोफान वर्षा और वज्रपात होवार आशंका कर। आगामी 3-4 दिन पर्यंत एमती पापाग रो 8-9 तारीख आड़क वर्षार परिणाम बढ़ी पारे बोली सूचना दि जाए। 12 नंबर खबर, 24 घंटे 7,002 आक्रांत चिन्हट, 42 रोगी मृत्यु, राज्य में गत 24 घंटा मध्य 7,002 आक्रांत चिन्हट होती। चिन्हट होता आक्रांत मध्य क्वारंटीन सेन्टर 3,921 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 3,081 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। भाव में स्टेट पुल संख्या 207 रही, एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्विट कर सूचना दि जाइए। यह सह गत 24 घंटा मध्य राज्य में 42 कोरोना आक्रांत मृत्यु घटी, यहाँ मिसे राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2,994 पहुंची जाइए। राज्य चिन्हट होता आक्रांत मध्य खोर्धा जिले सर्वाधिक 1,160 जन चिन्हट होती,
ଏହାସହ ଅନୁଗୁଳରୁ 388, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 321, ବରଗଡ଼ରୁ 117, ଭଦ୍ରକରୁ 260, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 890, ବୌଦ୍ଧରୁ 133 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 761, ଦେବଗଡ଼ରୁ 60 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 106 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 50 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 70 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 232 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 448 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 97 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 103, କନ୍ଧମାଳରୁ 3 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 188, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 153, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 181, କୋରାପୁଟରୁ 185, ମାଲକାନଗିରିରୁ 93, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 370, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 190, ନୂଆଗଡ଼ାରୁ 190 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 28 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 306 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 222 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 107 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 50 ଜଣ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 243 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ଖବର, ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସିବ ଏହି 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ଟିମ୍ 4 ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ମେ 28 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାତ୍ୟା ସହଯୋଗ କରିପାରିନଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରକୁ ରୋଗିବା ଲାଗି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 14 ନମ୍ବର ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। 18-44 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାତ୍ର 5 ପୌରାଞ୍ଚଳ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ବାକି ରହିଥିବା 22 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତଥା ପୌରାଞ୍ଚଳ NSCକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ରାଜ୍ୟକୁ 6,45,790 ଡୋଜ୍କୁ ଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ 18-44 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମେ 3-14 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା 18-44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୱାଇନ୍ଏକ୍ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଲାଗି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଖବର, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବାଧକ ସାଜିଛି ଔଷଧ। ବୁର୍ଲାର ଭୀମସାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଔଷଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ରୋଗୀର ଉପଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତଥା ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁର୍ଲାରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇଥିବା 30 ୟୁନିଟ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିପରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଔଷଧ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ 4 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବର ସହାୟତାର ଭାବେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ବୁର୍ଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ମଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଥିଲେ 30 ଫାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବୁର୍ଲା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଔଷଧ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ରାଶିଫଳ ଓ 7ଟା ସକାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।